वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का है, टेंस के अंतर्गत है। इसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं कार से लॉन्ग ड्राइव चला जाता, अगर मैं राजा होता तो मैं महल में रहता, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होती हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये कंडीशनल सेंटेंस जो है किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का जरूर आता है, चाहे MPSI हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC CGL हो। CGL में तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं। मेंस अगर दे रहे हों आप तो देख लीजिएगा, मेंस के पेपर में जा कर के कम से कम 5-5 क्वेश्चन SSC 1 में CGL में आते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं देवियों सज्जनों, वो 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। पहले हम चर्चा करेंगे पहले कंडीशन की। पहली कंडीशन जो होती है वो एकदम जनरल कंडीशन होती है। जनरल कंडीशन मतलब इसमें दोनों तरफ, मतलब देखिए कंडीशनल सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को जुड़कर होते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इसमें दोनों की तरफ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे अगर मान लीजिए इफ, बेन, अनलेस, अनटिल, एज, सून, एज, अगर ये सब चीज़ें क्या हैं, एक साइड पर हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे साइड भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि अनलेस, वेन, अनटिल, एज, सून, एज में कभी भी इसके क्लॉज में ये वर्ब के प्लेस पर विल या वुड नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, एक बार मैं आपको और पूरी कंडीशन समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, एक तरफ इफ होता है और एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, या यस या ईएस वाली। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या तो यस या ईएस वाली, ठीक है, इधर पे, ठीक है, इधर आपका, इधर भी यस या ईएस वाली फॉर्म आपकी आती है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि तुम पानी को उबालोगे तो यह क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट हो जाएगा मतलब क्या होता है देवी सज्जनों, उड़ जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉयल्स मतलब वर्ब के साथ यस या ईएस, तो इधर भी वर्ब के साथ यस या ईएस वाला फॉर्म लगेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बिना यस या ईएस वाली। जैसे इफ इट रेन्स तो द ग्रास गेट्स वेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेन्स है तो यहाँ भी गेट्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट परीक्षा के क्वेश्चन करवाता हूँ। इफ यू हीट आइस इट डैश डैश डैश, अब आप यहाँ पे क्या भरेंगे, विल मेल्ट भरेंगे कि मेल्टेड भरेंगे कि मेल्ट्स भरेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म मिले तो इधर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या वाली फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पे मेल्ट्स सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है इफ वाटर बॉइल्स इट डैश 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 डैश, तो क्या होगा, एवोपरेटेड होगा, एवोपरेट्स होगा, या बिल एवोपरेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे वाटर बॉइल्स है मतलब वर्ब के साथ यस या ईएस वाली फॉर्म है, तो इधर भी वर्ब के साथ यस या ईएस वाली फॉर्म होगी, मतलब एवोपरेट्स सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडीशनल सेंटेंस का पहली कंडीशन, जिसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन मतलब समझते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधर भी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, रूल नंबर सेकंड पे, कंडीशन नंबर सेकंड पे। कंडीशनल नंबर जो सेकंड है हमारी, वो है रियल कंडीशन। रियल कंडीशन में क्या होता है कि पहले आपको जिस साइड इफ रहेगा उस साइड आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, लेकिन जस्ट अपोजिट साइड जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होगी। यही है रियल कंडीशन। ये समझ जाएंगे आप लोग, अगर आप मेहनत करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल झलक रहा है कि नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, देखिए आप वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क,
तो विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है रियल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, एज सून एज ही फिनिशेज हिज होमवर्क ही विल गो टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जब तक तुम अपना कार्य खत्म नहीं कर लेते तब तक तुम कहाँ नहीं जाओगे, क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। तो कंडीशन झलकी कि नहीं झलकी, झलकी। अब यहाँ पे एज सून एज लिखा है तो इसके साथ वर्ब के साथ यस ये यस वाली फॉर्म लगी है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है रियल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर तीन आपके हवाले, क्वेश्चन नंबर चार आपके लिए और क्वेश्चन नंबर पाँच भी आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर तीन पहले आप लोग पुश कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ़ ही डैश मी आई विल अटेंड द पार्टी। तो बताइए इनवाइट होगा, इनवाइट्स होगा, इनवाइटेड होगा या विल इनवाइट होगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे लिखा है विल अटेंड, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या होगा, हिपाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मतलब इनवाइटेड और विल इनवाइट, आप दो उत्तर तो काट ही दीजिए। बता इनवाइट और इनवाइट्स, तो यहाँ पे लिखा है ही, अगर ही लिखा है तो फिर क्या होगा, इनवाइट्स होगा, क्योंकि ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ यस या ईएस। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। लिखा है आई विल गो अंटिल आई डैश 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 माई वर्क। अब यहां पे ये अंटिल लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन का पहला जो सॉल्व करने की जिम्मेदारी है आपको है, फिर मैं आंसर बताता हूं इसका, पुश कर लीजिए, आंसर लगा लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, यहां पर लिखा है, देखिए इन अंटिल यहां पर आ गया है, तो इस वाले क्लॉज में आपका विल तो हो नहीं सकता, तो विल काट दीजिए। अगर इधर विल गो लिखा है तो यहाँ पे फिनिश्ड भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर है तो पास्ट की कोई चीज़ नहीं आएगी, आएगी कौन सी, प्रेजेंट वाली, तो फिनिश उत्तर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर आप फाइव में चलें तो यहाँ पे इस बार इफ़ की जगह वेन का प्रयोग हुआ है। जैसे लिखा है आई विल मीट हिम वेन ही डैश डैश, अगर ये वेन लिखा है तो इस वाले क्लॉज में विल कम का प्रयोग नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था विल का प्रयोग इसमें नहीं होगा, बचेगा केम और कम्स। तो यहाँ पे लिखा है विल मीट, मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर चलेगा कम्स, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर होगा सही। आते हैं आगे एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आगे अपन लोग देख रहे हैं आपका इमेजिनरी कंडीशन, जो ये तीसरी नंबर की कंडीशन है, इसके बारे में फुल ऑन चर्चा होगी, ध्यान से। और अब मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन जो तीसरी नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसके बाद जो चौथी कंडीशन है इम्पॉसिबल, वो भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर इफ के साथ आपको वर आता है तो आप इसके जस्ट अपोजिट साइड वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, सेकेंड फॉर्म रखेंगे, ध्यान रखना है। अगर हेड मिलता है तो भी आपको वुड प्लस वर्ब की सेकेंड नहीं फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको सुधार देता हूँ मैं। अगर वर आता है तो आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हेड आता है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका वी टू फॉर्म आता है तो भी आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो यह दूसरे सेंटेंस में भी बिल का क्या होगा, वुड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ज़्यादा अच्छे से ज्ञान होगा। तो यहाँ पे आते हैं, ये आपका जो कंडीशन है ये है आपका इमेजिनरी कंडीशन। इसमें क्या लिखा है, इसमें भी देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ आई बर वर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं क्या होता, उड़ जाता, अगर मैं चिड़िया होता तो क्या होता, उड़ जाता। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ आई वर वर्ड आई वुड फ्लाई, तो यहाँ पे आपका लिखा वर, ठीक है, और ये हो गया वुड फ्लाई। तो यहाँ पे आपको अगर वर मिलेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे है इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू बॉम्बे, अगर मेरे पास कार होती तो आई वुड गो टू बॉम्बे, तो मैं कहाँ चला जाता, बॉम्बे चला जाता, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वर आ जाए और हेड आ जाए तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वर कब आता है, जब मैं उसके जैसा होता या मैं वो होता, ठीक है। अगर मैं राजा होता, अगर मैं रीवा का एसपी होता, अगर मैं शिक्षक होता, इस तरह का अगर मैं कोई चीज़ बोलूं जो मैं हूं नहीं, तो उसको बोलते हैं वर के साथ वर लगाना।
और अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास घर होता, तो फिर वो क्या चीज़ होती? फिर वो होता हैड होता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। पास होने का अगर कोई चीज़ होता है तो उसे बोलते हैं अपन हैड, और अगर मैं इसके जैसा होता, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो अपन बोलते हैं उसको वर। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं तीसरे नंबर पे। इफ सी इनवाइट मी आई वुड अटेंड द पार्टी। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वुड अटेंड, मतलब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी टू फॉर्म। एक मैंने वर्ब का बताया, एक मैंने वॉज का बताया, एक मैंने आपको वी टू फॉर्म का बताया। अब या तो आपको वुड को देख के वी टू भरना है, या वी टू फॉर्म को देख करके आपको वुड अटेंड भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके लिए है। पहले आप इसे सॉल्व करिए, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। इफ आई डैश अ मिलियनरीज, ठीक है, मिलियनरी मतलब होता है मिलियन, जो मतलब जैसे अपन नहीं बोलते अरबपति, उस टाइप का। आई वुड बाय अ कैस्टल वॉज वर हैड। मिलियनरीज मतलब होता है 10 लाखपति, है ना, 10 लाख का मालिक। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको चूज करना है सही उत्तर, वॉज होगा, वर होगा, या हैड होगा। अगर मैं करोड़पति होता कि अगर मेरे पास करोड़पति होता, क्या होगा? वॉज तो होगा नहीं, मैं आपको बता दूं पहले, वर होगा या हैड होगा। मैंने आपको दो ही चीज़ बताई, अगर इधर वुड बाय है तो मतलब वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर मैं करोड़पति होता तो सही होगा वर, अगर मेरे पास करोड़पति होता तो होगा फिर हैड। तो आप जानते हैं मेरे पास करोड़पति होगा नहीं, मैं करोड़पति होता, इसलिए लगेगा आपका वर सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसका उत्तर आप लोग को देना है। पहले आप पुश करिए, फिर आंसर दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊं। इफ ही केम टू मी आई डैश हिम माई कार, तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है इफ ही केम आई मी केम टू मी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है वी टू फॉर्म। अगर वी टू फॉर्म लिखा हुआ है तो आपको इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट हो गया, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी कट हो गया, बचा क्या, वुड प्लस गिव, मतलब फर्स्ट फॉर्म सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश आई अ रिंग आई वुड गिव टू यू। अगर मेरे पास रिंग होती तो मैं तुमको दे देता। अब देखिए कंडीशन है कि नहीं, मेरे पास अगर रिंग होती तो मैं तुमको दे देता, मेरे पास रिंग नहीं है तो इसलिए तुमको नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि वर भरेंगे, अगर मैं रिंग होता तो वर भर दीजिए, तो मैं अगर रिंग होता तो मैं तुमको दे देता, तो ये तो गलत हो गया, सेंटेंस ही गलत हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पे, अब हैड होता है या हैड इफ होता है, तो मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर मान लीजिए सेंटेंस होता तो ऐसा होता इफ आई हैड, तो सेंटेंस सही था। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता है किसी भी तरह से तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। अगर ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया बाद में चला गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये फिर हैड इफ नहीं लग के हैड बस लगता है, और इसका मतलब सेम ही निकलता है, कंडीशनल ही होता है। जैसे मान लीजिए हैड आई रिंग, अगर मेरे पास रिंग होती तो कंडीशनल बन गया, आई वुड गिव टू यू, मैं तुमको दे देता। ठीक है, तो कभी भी हैड इफ नहीं होता, इफ हैड होता है लेकिन वो यहां पे लग नहीं रहा, ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो क्या होगा फिर, हैड ही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं इमेजिनरी कंडीशन पे। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है? इमेजिनरी कंडीशन, तो चलते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपसे कभी बोलता नहीं हुई चीज़, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब तो कर लें, ठीक है, जिससे आप लोग को और भी जो नई नई वीडियो बनाता हूँ वो आपको मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लगता है कि ये सेंटेंस आते हैं और उससे आपका फ़ायदा होगा, तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझे पढ़ाने में कुछ चीज़ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट में या मुझे पर्सनल आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिसमें मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, वही मेरा पर्सनल नंबर है 99 63 11 96। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको पूछनी है या कोई चीज़ आपको जाननी है तो इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस चैनल का एक ग्रुप है
जिसको अपन लोग ज्वाइन ALI आप लिख करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आपको कई सारी नई चीज़ें भी ग्रुप में मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन लोग कंडीशन नंबर 4 पे। कंडीशन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी कंडीशन, लेकिन होता इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड के साथ, तो दूसरे साइड होगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है समझ लीजिए, इफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड होगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक पक्ष दिया रहेगा, दूसरा पक्ष आपको भरना होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ, दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, अगर तुम मुझको बुलाते तो मैं जरूर आता, मैं आता। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी क्या होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे मिले वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इधर आपको क्या लिखना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए बुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो फिर आपको लिखना है बुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस चीज को समझना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आप लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं। इफ राम डैश अ लाई हिज फादर वुड नॉट हैव पनिश्ड, ठीक है। अगर राम झूठ बोलता है या झूठ नहीं बोलता है तो उसके पापा उसको पनिश्ड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले आप आंसर लगा लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, इसके अपोजिट साइड होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये डूड नॉट टेल है गलत, वुड नॉट टेल है गलत, क्या होगा हैड नॉट टोल्ड, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इधर लिखा है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए है, इसको आप लोग क्या कीजिए बताइए उत्तर। इफ यू डैश द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव गॉट द ट्रेन, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। अब आप अगर, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग पुश करके आंसर लगा लीजिए फिर चेक कीजिए, और जो आंसर आपका आया उसको आप बताइए कि मेरे इतने क्वेश्चन सर सही हुए। अब इसके ऊपर मैं आपको एक टेस्ट भी देने वाला हूँ, और आपके पास टेस्ट जो है कल आफ्टरनून या कल आपको शाम तक में आपके पास पेपर पहुंच जाएगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे टेंस के और कंडीशनल सेंटेंस के। उनको आप सॉल्व करेंगे और फिर आपको मैं क्या करूँगा उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। इफ यू डैश द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव गॉट द ट्रेन, तो बताइए इसका सही क्या होगा। यहां पे लिखा है वुड हैव और वुड हैव गॉट, मतलब वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो ये रीच्ड कट गया, हैड रीच्ड आ सकता है, वुड रीच कट गया, वुड हैव रीच्ड कट गया। वुड हैव रीच्ड कट क्यों कट जाएगा भैया, वही तो आंसर है हमारा। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही उत्तर होगा, नहीं बंधु, वुड हैव थर्ड फॉर्म तो दूसरे साइड लगता है जो कि लग चुका है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म भी गलत है, रीच्ड भी गलत है, वुड रीच भी गलत है। सही उत्तर हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इस तरह से मैंने आपको पूरा कंडीशनल सेंटेंस बता दिया, एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका कंडीशनल सेंटेंस समाप्त हो जाए। इफ यू वुड हैव कम ऑन टाइम द ट्रेन वुड नॉट हैव गॉन, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी, नो एरर, तो आप लोग उत्तर लगा लीजिए। चलिए मैं बताता हूं, यहां पे देखिए गलत है वुड हैव कम। मैंने आपको बताया था अगर क्या लिखा हो वुड के साथ हैव गॉन तो वो फिर क्या होता है, गलत नहीं होता, वो सही होता है। वुड हैव थर्ड फॉर्म सही है, तो इधर होना चाहिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड कम सही उत्तर होना चाहिए। वुड हैव कम की जगह हैड कम होता तो हमारा सेंटेंस सही होता। तो आज हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिया है, कंडीशनल सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारी ये जो क्लास चल रही है ये स्पेशली ग्रेड 3 जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी आई उसके लिए है, SSC CHSL के लिए है, ठीक है,
और अपना एक MPSI है उसके लिए है। तो ये क्लासें आपको, अगर आपने कंटिन्यू की नर्सिंग के लिए, सॉरी नर्सिंग मैं भूल गया, नर्सिंग के लिए इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कंडीशनल सेंटेंस में 2 से 3 नंबर जरूर मिलेंगे जो आपके कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा, मैंने आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए बता दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम, थैंक यू।